खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना है। इसमें चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करवाना होगा और अगर कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को मानने में कोई आनाकानी की तो उनका वेतन भी रोका जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कई विभागों में तैनात कर्मचारियों ने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया, जिससे उनका वेतन रोक लिया गया। इसमें सबसे ज्यादा बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन 30 सितंबर यानी आज ही का दिन दिया था। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन तकरीबन 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा फिलहाल पेश नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 94% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। अब आज जिन भी कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा दर्ज नहीं करवाया है, उनकी सितंबर महीने की सैलरी को रोका जाएगा। वहीं 29 सितंबर तक पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत नियमों में काम करने वाले 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और निर्देश दिया गया कि जब तक ये कर्मचारी ब्यौरा ना दे दें तब तक उनके वेतन का भुगतान ना किया जाए। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक कोषागार विभाग ने तमाम विभागों की रिपोर्ट को देखते हुए संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी का 1 सितंबर को रिलीज नहीं किया। इसको लेकर के कर्मचारियों के बीच कौतूहल मची हुई है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पुलिस और राजस्व विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की थी। उस समय तर्क दिया गया कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपदा राहत के काम और चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहे थे, इससे उन्हें संपत्ति का ब्यौरा कलेक्ट करने और वेबसाइट पर अपलोड करने का वक्त नहीं मिला। इसी प्रकार अन्य विभागों की तरफ से भी इस तरह की बात रखी गई और 1 महीने की मोहलत मांगी गई। हालत को देखते हुए मुख्य सचिव ने 30 सितंबर अंतिम तारीख तय करते हुए साफ कर दिया कि अब इसके बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के विद्युत विभाग के उन कर्मचारियों की भी जानकारी सामने आई जिन्होंने अपने काम का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 3,000 से ज्यादा कर्मचारी ने अपना ब्यौरा पेश नहीं किया। इसी तरीके से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 1,600 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया। वहीं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 1,600 और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 900 से ज्यादा कर्मचारियों ने ब्यौरा पेश नहीं किया। पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय के 150 से ज्यादा कर्मचारी और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के 40 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। इन कर्मचारियों का अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जो कि बाद में बढ़कर के 30 सितंबर हुई और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी आंकड़े और इसके साथ ही कड़े जो दिशा निर्देश दिए गए उसके बाद भी राज्य सरकार के कुल 52,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और राज्य में अभी मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों की संख्या है 8,36,571।